Assalamu alaikum and welcome back. So now we are discussing MCQs on Heart of Darkness by Joseph Conrad. Heart of Darkness is a modern novel, and it is a novel based on colonialism and the atrocities which were conducted on the people of Africa under the pretense of civilizing them. So Heart of Darkness opens in what setting? So it basically opens in when they're sitting on a boat, and the boat is on River Thames, jahan pe Marlow is there telling a tale to the narrator of his journeys. Who does Marlow first cite as a source of great darkness along the Thames River? तो पहले वो बात करते हैं रोमन्स की, जैसे वो इंग्लैंड में आए और उन्होंने तबाही फैलाई. सो रोमन्स जो डार्कनेस लेके आए, जो तबाही उन्होंने की, जिस तरह उन्होंने लूटा, वो ये बात सुनाने के बाद अब फिर अपनी स्टोरी की तरफ आता है और उसे एक तरह से कंपेयर करता है कि जो उसने अफ्रीका में देखा, कॉन्गो में देखा, वो किस तरह रोमन से अलाइंड है. मौलो गेट्स द जॉब बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ लेडी. तो वो लेडी कौन थी? वो उसकी अपनी आंट थी, जिसने इसको एक जॉब लेके दी एज अ कैप्टन ऑफ शिप. मौलो बिलीव्स दैट इज गोइंग फॉर द सेक ऑफ सिविलाइजिंग द ब्रूट्स. तो उसे लगता है कि वो जो जा रहा है वो एक सिविलाइजेशन की प्रोसेस में जा रहा है. उसे नहीं पता कि इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है. सो ही बिलीव्स कि जितनी भी कंपनीज हैं ये उन नीग्रोस की, ये लोकल जो लोग हैं, नेटिव्स, उनकी सिविलाइजेशन उस ये लोग करते हैं. सो मोस्ट ऑफ मॉलोज एडवेंचर्स टेक प्लेस इन कॉन्गो. सो द कॉन्गो द कंट्री, उसमें इसकी ज्यादातर एडवांसमेंट्स हैं. द स्नेक लाइक रिवर ऑन मैप वॉज द रिवर कॉन्गो. सो कॉन्गो इज द नेम ऑफ कंट्री, एट द सेम टाइम इट्स द नेम ऑफ द रिवर टू. सो मौलो बचपन से ही बड़ा इंस्पायर था जब वो मैप के अंदर कॉन्गो रिवर देखता था जो कि एक स्नेक की तरह लगता था. एट द एंड ऑफ हिज रिपोर्ट ऑन द नेटिव्स, कर्ट्स राइट. सो कर्ट्स इज अ कैरेक्टर जिसको पूरी बुक में मेंशन किया जाता है, एंड ग्रेजुअली मौलो बिकम्स वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द स्टोरीज ही लर्न्स अबाउट मिस्टर कर्ट्स. सो उसके पास मिस्टर कर्ट्स की एक रिपोर्ट लगती है जिसमें उसने लिखा होता है कि एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, तो यानी सबको खत्म कर दो. नाउ दिस इज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर हिम कि कर्ट्स यहाँ पे या हम लोग तो इनको सिविलाइजेशन देने आए, तो व्हाट इज मेंट बाय दिस एक्सटर्मिनेशन. व्हाट वन थिंग डज मौलो नीड टू रिपेयर हिज रेक्ट स्टीमर. सो मौलो को क्या चीज चाहिए वहां पे अपने स्टीमर को ठीक करने के लिए? He needs rivets. Rivets के बेसिकली बड़े ये पेच हैं जो कि उसे चाहिए, जिसकी वजह से ये अपनी शिप को, अपने स्टीमर को सही कर सकता है. अब बेसिकली rivets के आना कोई इशू नहीं था, लेकिन इस चीज को जानबूझकर डिले किया जा रहा था. मौलो उस वहां पे देखता कि बेशुमार एक्टिविटीज फ्यूटाइल थी, फजूल थी, नीडलेस थी, और वहां पे इतना डिले बनता ही नहीं था राइवेट्स के ना होने का, लेकिन स्टिल ही हैड टू वेट फॉर देम. द नेटिव्स इन द स्टोरी आर कॉन्स्टेंटली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एनिमल. सो मौलो टेल्स नरेटर, और जो नरेटर बयान करता है कि जिस तरह वहां पे हालात दिखाए गए नेटिव्स के, उन्हें एनिमल से तशबीह दी गई कि एज इफ यू आर हैविंग सर्टेन एनिमल्स यू आर यूजिंग एज अ बीस्ट बर्डन, और वो मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं होती. द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन कॉन्गो इज आइवरी, यानी हाथी दांत, एलिफेंट टस्क्स, जिनको वहां से ला के बेचा जाता था और उसकी बहुत ज्यादा यानी हैंडसम अमाउंट में बिकती थी वो. तो ये सारी कंपनीज बेसिकली आइवरी को इनर स्टेशन से सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन से आउटर स्टेशन इस तरह भेजते थे, और ये फिर अपने अपने मुल्कों में सारी कंपनीज जिन्होंने अपने दफ्तर बनाए हुए थे
ऑफिसेज प्लेसेस बनाई थी, ये अपने मुल्कों में ट्रांसपोर्ट करते थे. What does Molo describe as the most horrible experience a man can go through? So he talks about starvation. कि जिस तरह उसने उधर देखा उन नेटिव्स को कि किस तरह वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, और फिर कुछ लोग जो कैनिबल होने पे मजबूर हो गए, यानी इंसान आदमखोर होने पे मजबूर हो गए. What does Molo describe as an unstable kind of fool when he meets them? So वो the mad helmsman जो कि उसका पायलट है एक तरह से शिप का, उस helmsman को फूल के तौर पे जानता है, ये बुलाता है. How does Molo's helmsman die? So he is impaled on a spear thrown from the river bank. ये अचानक जो उन पे एम्बुश होता है, अटैक होता है, तो उसमें ये मारा जाता है उस स्पेयर से. The company is Belgian in which Molo is working. तो ये सामान सारा आइवरी वगैरह बेल्जियम जाती है, ब्रसल्स. The company trades primarily in ivory. और भी सामान ये लूट रहे हैं वहां से, लेकिन most importantly they are having ivory from here. At the company's office, Molo encounters two old women knitting. First time when he reaches there, वो देखते दो औरतें knit कर रही हैं, and knitting is very like a special thing in a tale of two cities, जिसमें हम देखते हैं कि वो knit करते हुए अंदर लोगों के नाम लिख रहे हैं जिसको उन्होंने मारना है. So this was also an ominous knitting, जो कि इसको लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है आगे. What are the cannibals? So why are the cannibals aboard the steamer hungry? So they are hungry because the pilgrims on the steamer, they threw of their rotting meat overboard. जो गोश्त उनके लिए रखा गया था वो सड़ चुका था, स्मेल आ रही थी, तो इन्होंने वो गोश्त फेंक दिया, इसलिए they were feeling hungry. Blowing the rock for railway track was ironical. It was totally ironical. Because it was needless, जरूरत ही नहीं थी. Molo देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे ऐसी हैं जो कि नीडलेस हैं, सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कागजी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जहां से ट्रेन ने गुजरना था उसके दरमियान में रॉक्स, वो रॉक आती नहीं थी, लेकिन स्टिल रॉक को ब्लो किया जा रहा था. Who is ultimately responsible for the attack on the steamer? वो जो स्टीमर पे अटैक होता है जिसमें Molo की बड़ी मुश्किल से जान बचती है और ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब होता है. सो वो अटैक बेसिकली मिस्टर कर्ट्स ने कराया था, और उसने अटैक क्यों कराया था, ताकि नो वन मे पेनिट्रेट इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका वेयर ही इज, एंड टू गेट टू नो हिज रियलिटी और टू कम टू हिम. Molo's predecessor with the company dies as a result of a quarrel over hens. जो Molo की जगह पे काम करता है बंदा, वो पहले एक छोटे से इशू पे, मुर्गियों के इशू पे मर जाता है. The last person Molo sees in Brussels is Kurt's fiance. After coming back, जो आखिरी बंदा जिससे उसकी मुलाकात होती है वो Kurt's की fiance होती है. Before he goes to Africa, Molo has been on a voyage through Asia. इससे पहले वो एशिया में भी voyage कर चुका था. Where does Molo encounter the Grove of Death? So outer station पे Grove of Death मिलती है इसे, जो कि एक घाटी सी है जिसमें बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं और कुछ मरने के लिए तैयार पड़े हुए. तो ही इज शॉक्ड टू सी द कंडीशन, द इनह्यूमन एंड बारबेरियन एट्रोसिटीज विच आर कमिटेड ऑन देम. द चीफ अकाउंटेंट्स मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट हिज स्पॉटलेस वाइट क्लोथिंग, दिस शोज दैट ही मे नॉट बी वर्किंग अ लॉट. What does Molo discover atop the fence post at the inner station? When he Kurtz ke paas pahunchta to wo kya dekhte hain station mein, ke human heads lage hue hain. Ab ek banda jo ke civilize karne aaya tha, jo brutes ko exterminate karne aaya tha, uske station pe human heads dekh ke Molo pareshan ho jata hai. Mr. Kurtz was now himself turned into barbarian. Ab wo khud barbarian ban chuka tha. He was worshipped by the locals, jo natives the usko worship karte the. The lust of power
corrupted Kurds, कि वो जो सिविलाइज पर्सन था जिसका एक बड़ा डिफरेंट इमेज था मौलों के माइंड में, वो ऑल टुगेदर 360 डिग्री चेंज नजर आया एंड ही वाज टोटली अ डिफरेंट पर्सन, अ ब्रूट, अ सेवेज एंड अ करप्ट पर्सन. देयर वाज अ वुमन हु वाज वीपिंग व्हेन दे वर टेकिंग कर्ड्स विद देम, सो शी सीम्ड हिज मिस्ट्रेस देयर. दे वर टेकिंग कर्ड्स बिकॉज ही वाज वेरी इल, और उसकी इलनेस की खबर मौलों को मिलती रही थी. Where does Kurtz die? So he dies aboard Mawla's steamer. जब उसे वो लाद के ले जा रहे होते हैं तो वहीं पे वो मर जाता है. What are Kurtz's last words? So उसके आखिरी words होते हैं, the horror, the horror. Mawla in the end dash to Kurtz's wife. So in the end he lies to Kurtz's intended. Who was his intended and fiance, whatever. वो से कहते हैं कि वो से पूछते हैं कि last words उसके क्या थे, तो Mawla lies and says कि उसने तुम्हारा नाम लिया. जबकि हैरत यह कि उसे अपनी fiance याद नहीं थी. He was much happy there with the women, with the people there, and the horror उसके last words से. So these were for today. And MCQs were there from Hot Darkness. So now I seek your apologies that we're going to end the session today. Thank you very much.